Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd September 2021. Please note, you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website SPMISAcademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about burning of about 2,500 rhino horns. दिस टॉपिक इज इम्पॉटेंट फ्रॉम आर सेलेबस पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फॉर्म द सब सेगमेंट एटीट्यूड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेलेबस पेपर फोर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं देखिए टूडे यानी कि ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वर्ल्ड राइनो डे और आज के दिन आसाम के अंदर एक स्पेशल सेरेमनी होगी वेयर अट्टॉक पाइल ऑफ अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड

जो हॉन्स कलेक्ट किए गए हैं कुछ तो डेड राइनोस के हॉर्न्स कलेक्ट किए गए हैं या तो फिर कुछ ऐसे राइनोस जिनकी पोचिंग हो गई बाद में पोचर्स उसके हॉर्न को ले नहीं पाए या फिर बाद में रिकवर कर लिया गया उन पोचर्स से उस तरह के हॉर्न्स ये सब कलेक्ट करके लगभग ट्वेंटी राइनो हॉर्न्स कलेक्ट होए हैं आसाम सरकार के पास उसमें से लगभग 2,479 हॉर्न्स विल बी बर्न टुडे 94 विल बी प्रिजर्व्ड और बाकी के जो 50 हैं वो कोर्ट केसेस से रिलेटेड हैं किसी ना किसी पोचिंग का मामला है जिस कारण से उनको जलाया नहीं जाएगा तो अब ज़रा समझते हैं कारण क्यों ये वन हॉर्न राइनोस के हॉर्न्स जलाए जा रहे हैं तो इट इज़ डन टू सेंड इट इज़ बींग डन टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट पोचिंग लोगों को लगता है कि जो भी पोचर्स हैं खासकर उनको लगता है कि ये जो राइनोस के हॉर्न होते हैं दे हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू बट ये बर्न करके आसाम सरकार एक मैसेज देना चाहती है इन तमाम पोचर्स को कि ये जो उनका अंडरस्टैंडिंग है दैट हॉर्न ऑफ राइनोस हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू इज नथिंग मोर देन मिथ ये मिथ है और इसी मिथ को बस्ट करने के लिए ये वन हॉर्न राइनोस के हॉर्न को बर्न किया जाएगा पब्लिकली अगर कोई चीज़ सच में इतनी इम्पोर्टेंट uh, होती तो क्या सरकार उसको जलाती ये मैसेज देना चाहती है सरकार कि इम्पोर्टेंट नहीं है आप बेवजह का इसके पीछे भाग रहे हैं जो आपको लगता है कि इसकी हाई मेडिसिनल वैल्यू है या बहुत ज़्यादा आपको कुछ इससे कमाई हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है इट हैज़ नो यूज और बाकी दुनिया के जो फॉरेन मार्केट्स हैं चाहे चाइना हो या वियतनाम हो जहाँ पर इनकी डिमांड बनाई गई है देखिए डिमांड और सप्लाई किसी चीज़ का भी दाम जो होता है वो डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है और डिमांड जो होता है बहुत बार वो उसको क्रिएट कराया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड भी तो एक मेटल ही है लेकिन इतना महंगा क्यों है आप आयरन की तुलना में उसकी बात अगर करें तो, तो उसकी डिमांड बनाई गई है उसके ऊपर कुछ वैल्यूज जिसक्राइब करके कि ये इसके ये फायदे हैं इसे आप ऑर्नामेंट बना सकते हैं ज्वेलरी बना सकते हैं वैसे ही वन हॉर्न राइनो के जो हैं उसकी डिमांड बनाई गई है उसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू है नहीं ये मैसेज देना चाहती है सरकार इंडिया के अंदर जो पोचर्स हैं जो सिंडिकेट में काम कर रहे हैं उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी डिमांड है उन मार्केट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैसेज देना चाहती है कि ये डिमांड फेक तरीके से बनाई गई है द हॉर्न ऑफ वन हॉर्न राइनर्स डो नॉट हैव एनी इनहेरेंट वैल्यू ऐसा कुछ खास उसमें है नहीं जरा देखते हैं आ, थ्रेट्स रिगार्डिंग पोचिंग ऑफ वन हॉर्न राइनोज हमारे स्टेट आसाम में बहुत टाइम से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चल रहा है फॉर पोचिंग ऑफ राइनोज़ और ये पोचिंग क्यों होती है उसका कारण भी काफ़ी सरल है देर इज़ ए वेल डेवलप्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सेंटर विच बिलीव्स की वन हॉर्न राइनो का इस्तेमाल किया जा सकता है टू क्योर रेंज ऑफ एलिमेंट्स लाइक कैंसर इवन वन राइनो इज़ यूज फॉर एफ्रोडाइसक एफ्रोडेसिया का वो चीज़ होती है विच इज़ यूज फॉर सेक्सुअल अराउजल एफ्रोडिसक सेक्सुअल अराउजल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सो वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफ्रोडासियक एंड चाइनीज़ मार्केट में एक इस तरह की बात भी है कि वन हॉन राइनो के जो कॉम्पोनेट्स हैं इट इज़ यूज और कैन बी यूज टू डेवलप सम एफ्रोडासियक मेडिसिन वियतनाम के अंदर भी वन हॉनड राइनो के हॉर्न की काफ़ी डिमांड है वियतनाम के अंदर ये हॉर्न को लोग अपने घरों में लगा करके रखते हैं आज स्टेटस सिंबल तो इन सब कारणों से इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है वन हॉर्न राइनो के हॉर्न की और जिस कारण से इंडिया के अंदर खासकर असाम में इसकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है 2013-14 में तो बहुत ज़्यादा पोचिंग के केसेस थे इनफैक्ट दोनों ही साल में 27 सेवन राइनोज ऑफिशियली पोच किए गए थे लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ओ विजिलेंस बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पोचिंग के केसेस हैं दे हैव डिक्लाइंड पिछले साल अगर 2021 की बात की जाए तो सिर्फ तीन राइनोस के पोचिंग के केस निकल के आए थे जिसको और पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है आसाम सरकार और इसी कारण से ये आज पब्लिक सेरेमनी बुलाया है आज जो uh, राइनोस के हॉर्न्स जलाए जाएंगे उसमें से एक हॉर्न जिसकी लेंथ uh, 51.5 सेंटीमीटर विच इज़ द लॉन्गेस्ट राइनो हॉर्न इन द ट्रेजरी इसको बचा करके रखा जाएगा अब ये तो बात होगी कि क्या आज के दिन होने वाला है इन सारे राइनो के हॉर्न्स को जलाए जाने वाले हैं लेकिन अब जरा देखते हैं कि हाउ दिस पर्टिकुलर इशू कैन बी यूज इन आवर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर ये बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप करेंट एग्जाम्पल्स को जोड़ करके समझ सकते हैं विथ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी टॉपिक्स तो देखिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है एटीट्यूड और एटीट्यूड को बदलना ही सरकार का मेन पर्पस होता है कि जिन लोगों के भी नेगेटिव एटीट्यूड हैं गलत एटीट्यूड हैं उनको बदलें तो इस केस में सरकार क्या चाहती है कि जिन लोगों के भी राइनोस को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड है उनके हॉर्न को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड है एटीट्यूड है उनको बदले तो उस बदलने उस एटीट्यूड को बदलने के लिए ही ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रही है सरकार तो एज ए सेड कि ये जो ढाई हज़ार वन हॉर्न राइनो के हॉर्न्स जलाए जा रहे हैं इट इज़ मेनली डन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पोचस्ट वार्ड राइनो इससे ओवरऑल उनके बिहेवियर को बदला जाएगा तो एटीट्यूड टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपने जरूर पढ़ रखा होगा कि एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको कैब मॉडल समझना होगा कैब मॉडल कॉगनीसन एफेक्शन एंड बिहेवियरल मॉडल को आप किसी भी इंसान का किसी भी चीज़ के प्रति जो एटीट्यूड बनता है उसके पीछे तीन कॉम्पोनेंट होते हैं पहला होता है cognition. कॉग्निशन मतलब होता है नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है आपकी कोई एक नॉलेज हो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग वो आपका उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपका एटीट्यूड बनाता है फॉर एग्जाम्पल ये जो पोचर्स हैं दे हैव अ नॉलेज अबाउट वन हॉर्न राइनोज हॉर्न उनका नॉलेज ये है कि द हॉर्न ऑफ राइनोज हैव हाई वैल्यू अब वो नॉलेज गलत भी हो सकता है जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये गलत है लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है जैसे हमारे पास नॉलेज है कि सांप जहरीला होता है उसके काटने से हम मर सकते हैं लेकिन बहुत सारे सांप तो नॉन विनोमिनस भी होते हैं बट हम सांप देखते हैं क्यों दूर भागते हैं क्यों सांपों को लेकर के हमारा निगेटिव एटीट्यूड है क्योंकि हमारा जो नॉलेज कहता है कि सांप जो है वो विनोमिनस होते हैं डेडली होते हैं तो ठीक वैसे ही जो कॉग्निशन पार्ट है पोचर्स का रिगार्डिंग हॉर्न ऑफ राइनो उनका वो कॉग्निशन कहता है कि दे दीज हॉर्नस हैव हाई वैल्यू और उस कॉग्निशन के कारण इस नॉलेज के कारण कैब का पहला कॉम्पोनेंट कैब मॉडल का सी कॉम्पोनेंट है कॉग्निशन ए कॉम्पोनेंट है अफेक्शन अफेक्शन मतलब फीलिंग इस नॉलेज के कारण उनकी फीलिंग जो है वन हॉर्न राइनो के हॉर्न के प्रति वो बदल गई है दे हैव ए फीलिंग टू अक्वायर मोर एंड मोर हॉर्न ऑफ वन हॉर्न राइनोज चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा उसको कलेक्ट किया जाए और इसी कारण से उनकी पोचिंग करते हैं सो थर्ड इज़ द बी मॉडल बिहेवियर तो ये तीन कॉम्पोनेंट होते हैं एटीट्यूड के और ये जो पोचर्स हैं हैव अ बैड एटीट्यूड टूवर्ड्स राइनोज दे वॉन्ट टू पोच दिस राइनोज बिकॉज दे आर नॉलेज अबाउट राइनो स्पेशली अबाउट देयर हॉर्न इज रॉन्ग एंड दिस नॉलेज गेट डेवलप्स अ फीलिंग टू पोच दिस एनिमल्स एंड दैट इज वाई दे इंगेज इन टू पोचिंग अगर पब्लिक बर्निंग जो आज की जा रही है ओपन जो बर्निंग किया जा रहा है उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन पोचर्स के ऊपर कहाँ पड़ेगा उनके कॉग्निशन पार्ट पे अटैक करना चाहती है सरकार ये आपको प्रूफ करना है एग्जामिनर के सामने कि ये जो करंट केस है ये पूरी तरह से कैब मॉडल पे फिट हो रहा है सरकार जो है वो पब्लिकली वन हॉर्न राइनोस के हॉर्न को जला करके इन सारे पोचर्स के इस कॉग्निशन पार्ट को अटैक कर रही है नॉलेज पार्ट को अटैक कर रही है रिगार्डिंग हॉर्न ऑफ वन हॉन राइनो कि भाई सरकार सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि हॉर्न ऑफ राइनोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कैराटीन कुछ खास नई बात है नहीं जैसे जि जो जिस कॉम्पोनेंट से हमारा हेयर बना है जिस कॉम्पोनेंट से हमारे नेल्स बने हैं वही है वन हॉन राइनो के हॉर्न में भी लेकिन बस गलत आपको बताया जा रहा है यू हैव ए रॉन्ग फीलिंग यू हैव ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बालों में जो चीज़ें होती हैं जो हमारे नेल्स में होते हैं वही है कैराटीन इन द हॉर्न ऑफ वन हॉर्न राइनो एंड द डिमांड इज़ जस्ट अ बबल जस्ट अ मिथ तो जैसे ही कॉग्नीशन पार्ट उनका बदलेगा नॉलेज बदलेगा उनकी फीलिंग बदलेगी रिगार्डिंग हर राइनोज कि ठीक है यार उनके हॉर्न का कोई खास मतलब नहीं है कोई खास उसका इंपैक्ट नहीं है तो दे विल नॉट ट्राई टू अक्वायर मोर एंड मोर हॉर्न ऑफ वन हॉन राइनो तो ऑटोमेटिकली जब कॉग्नीशन बदलेगा तो एफेक्शन बदलेगा एफेक्शन बदलेगा तो बिहेवियर बदल जाएगा एंड पोचिंग विल बी स्टॉप्ड दैट इज द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पब्लिक बर्निंग ऑफ 2500 राइनो हॉर्न्स। खुलेआम जला करके ये मैसेज देना चाहते हैं कॉग्निशन पार्ट पे अटैक करना चाहते हैं ताकि जो पोचर से उनका एटीट्यूड बदले द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट असिस्टेड मशीन गन एंड दिस टॉपिक कैन बी यूटिलाइज इन आर एस इफ देर इज एन एस ऑन निगेटिव ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर पेपर फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज इन पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर तो इसको ज़रा समझते हैं इस आर्टिकल को इसको एज इट इज़ मैंने न्यूज़ पेपर से उठाया है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन बेहतर था देखिए ये जिनको आप देख रहे हैं जिनकी ये इमेज है ये हैं मोहसिन फकर जदा हु इज़ कंसिडर टू बी फादर ऑफ़ इरान्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम और आपको पता है कि ईरान और इसराइल के बीच में हॉस्टेलिटी रहती है कन्फ्लिक्ट रहती है तो ईरान के ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इसराइल बहुत टाइम से टारगेट कर रहा था एसेसिनेट करने के लिए और फाइनली पिछले साल 27 नवंबर 2020 को इनका एसेसिनेशन कर दिया इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद ने लेकिन मुसाद ने इनका जो असेसिनेशन किया वो काफ़ी अलग नए तरीके से किया जिस कारण से बहुत सारे एथिकल क्वेश्चन रेज हो रहे हैं मुसाद ने इनका एसिनेसन किया विद हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट असिस्टेड मशीन गन हुआ क्या कि मुसाद ऐसा नहीं इनको मारने के लिए कोई भी मुसाद का इंटेलिजेंस ऑफिसर या स्पाई कोई ईरान आया नहीं ये फ़कर जदय साहब ही वाज इन आउटसाइड तेहरान मतलब ईरान के अंदर ही थे कैपिटल सिटी से थोड़ा बाहर ड्राइव कर रहे थे विद हिज़ वाइफ एंड ही वॉज़ गोइंग फॉर अ वैकेसन अब ये अपने शहर में अपने कैपिटल सिटी में और मोसाद के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो इसराइल में बैठे हैं हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं फिर भी वहाँ से उन्होंने इनको असेसिनेट कर दिया विथ हेल्प ऑफ अ गन मशीन गन बिकॉज इट वॉज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैसे किया इन्होंने वो भी ज़रा समझिए एक इस तरह की वैन थी निशान की जमियात पिकअप वैन थी इस पिकअप वैन पे उन्होंने एक रोबोट फिट कर दिया उस वो जो रोबोट था इट वाज होल्डिंग एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन गन और ये रोबोट की खासियत ये है कि इस पर मल्टीपल कैमराज लगे हुए थे और ये रोबोट क्या कर सकता था कि फ़ेस रिकॉग्निशन कर सकता है और इसने फेस को रिकॉग्नाइज़ किया और बिल्कुल प्रिसाइज़ तरीके से इन पर सोलह गोलियाँ चलाईं ये गाड़ी अपने आप चल रही थी रोबोट और ये गाड़ी और इनकी व्हीकल इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के व्हीकल जब पैरल आई तो इस रोबोट ने इनके फेस को रिकॉग्नाइज़ किया और फेस रिकॉग्नाइज करके 16 सोलह आई एम सॉरी 15 बुलेट्स फायर किए गए इनके ऊपर स्पॉट डेथ हो गई इनकी जबकि इनकी वाइफ जो इनके बगल में बैठी थी उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होने के कारण इस मशीन ने फेस रिकॉग्निशन करके प्रिसाइज तरीके से इन पर अटैक कर दिया और इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे आ, आप कह सकते हैं असैसिनेशन प्रोसेस में इसराइल का कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ आसपास भी नहीं था दे वर कंट्रोलिंग दिस इंटायर सिस्टम वाइल सिटिंग बैक इन इसराइल इट्सैल्फ अब जरा समझते हैं कि ये जो ऑटोनोमस वेपन्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं हाउ दे वर्क तो इस पर्टिकुलर केस में इन असेसिनेशन ऑफ फकरी जेदास असेसिनेशन देर वॉज अ डेब्यू ऑफ हाई टेक कंप्यूटराइज शार्प शूटर ये समझिए कि दुनिया में पहली बार फॉर्मल तरीके से ऑफिशियल तरीके से ये हाई टेक कंप्यूटराइज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शार्प शूटर का इस्तेमाल हुआ है नॉर्मली आप फिल्मों में देखते हैं शार्प शूटर्स जाते हैं कहीं किसी जगहों पे और वहाँ से वो लोगों को टारगेट करते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कम्प्यूटराइज शार्प शूटर का इस्तेमाल हुआ है विच वॉज ऑपरेटिंग वाया सेटेलाइट एंड दिस सार्प शूटर कंप्यूटराइज शार्प शूटर इज़ कैपेबल ऑफ फायरिंग अबाउट सिक्स हंड्रेड राउंडस ऑफ बुलेट इन वन मिनट द सर्वे आइडेंटी आइडेंटिफिकेशन एंड अटैक ऑफ द टारगेट बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियली डिज़ाइंड है सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है इसमें इंसानों का को, कोई भी इनपुट या इंटरफेस नहीं है तो अभी देखिए अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं इसको कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे उसको हम जरा समझेंगे ये तो न्यूज हो गया लेकिन इसमें एथिकल इश्यूज ये हैं कि इस तरह के जब मशीन्स निकल के आएंगे तो धीरे धीरे पूरे ह्यूमन सर्वाइवल पे खतरा बन जाएगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेफ्टी का सिक्योरिटी का वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर जाएगा क्योंकि जो भी हमारे हमारे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोच हैं वो सब के सब फेल हो जाएंगे अगेंस्ट सच मॉडर्न थिंग्स आपने अगर मूवी देख रखी होगी ट्रांसफॉर्मर तो उस वो जो कॉन्सेप्ट है ऑफ कोर्स वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बट सच कॉन्सेप्ट्स आर नाउ स्लोली getting into reality okay, we are entering into a phase where we are developing such technologies which is posing a threat to entire humankind imagine if such system such technology goes into a wrong hand तो फिर दुनिया के जो इंपॉर्टेंट हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं अगर उनकी असेसिनेशन होनी शुरू हो जाए क्योंकि इस तरह के सिस्टम के खिलाफ तो जो हमारा ट्रेडिशनल सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है वो वर्क करेगा नहीं हेड ऑफ़ द स्टेट्स की असेसिनेशन शुरू हो जाएगी तो आप सोचिए पूरे दुनिया भर में किस तरह का हैव वर्क के क्रिएट हो जाएगा एंड द इंटायर वर्ल्ड विल कम टू अ कोलैप्स तो दीज आर एथिकल एंड मॉरल चैलेंजेस पोस्ड बिकॉज ऑफ सच हाई टेक वेपन्स तो यूज ऑफ ऑटोनोमस वेपन सिस्टम विच इज अ फोर्स मल्टीप्लायर कम्स अ एथिकल एंड मॉरल चैलेंजेस दिस कैन बी मिसलेट देखिए करना क्या है आपने आपने बस ये मशीन बनाया ना इसमें फेसियल रिकॉग्निशन आपने इनका डाला उसके जगह पे किसी का भी फेस डाला जा सकता है जो बिडेन का फेस डाला जा सकता है अगर गलत हाथों में पड़ गया तो उसको सिर्फ इमेज निकाल करके जो बिडेन का फेस डाल देना है आन दिस मशीन विल टारगेट जो बिडेन तो यू इमेजिन सीनारियो कि अगर इस तरह के मशीन अगर गलत हाथ में पड़ जाएँ तो वॉट काइंड ऑफ हैव दे कैन क्रिएट एंड दैट इज़ एन एथिकल इशू पूरा का पूरा ह्यूमन जनरेशन जो है वो थ्रेट में है बिकॉज ऑफ सच डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करेंगे देखिए ऑलरेडी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दो यूपीएससी पंद्रह मेन्स में एथिक्स इंटीग्रिटी पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल अब ए एथिक्स मेन्स में आ सकता है सवाल ये था कि हाउ फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी इज़ कॉजिंग मॉरल एंड एथिकल चैलेंजेस ये नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं ये कैसे हमारी मॉरल एथिकल चैलेंजेस हमारे लिए क्रिएट कर रही हैं वहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल लोगों ने लिखा सरोगेसी की टेक्नोलॉजी इसने मदरहुड को कॉमर्शलाइज़ कर दिया है ठीक है आजकल लोग पैसे के लिए सरोगेसी कर लेते हैं माँ बन जाते हैं सो मदरहुड को वो कॉमर्शलाइज़ uh, कर दिया है विच इज़ अ थ्रेट टू मोरल एंड एथिकल चैलेंज है हमारे लिए लोगों ने लिखा है डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट लोग जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को डिज़ाइन करवा लेते हैं कि इसमें ये 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 फीचर्स डालो इस तरीके से तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल फैक्टर्स विल गेट ओवर कॉम्पिटिशन विल गेट ओवर जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों में सारे फीचर्स डलवा देंगे मशीन की तरह इसको लंबा बना दो मजबूत बना दो ऐसा बना दो हर चीज़ में वो आगे हो जाएगा तो जो ह्यूमन एंडेवर है हार्ड वर्क का डिसिप्लिन का वो खत्म हो जाएगा जो अमीर लोग के बच्चे होंगे वो नेचुरली आगे होंगे क्योंकि न, उनको इस तरह से डिजाइन कराया गया तो ये सब एथिकल इश्यूज उस टाइम में चल रहे थे जो लोगों ने लिखे आ, अगर यही सवाल अभी आ जाए एपीएससी मीन में तो आप ये करंट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इंटेलिजेंट मशीन गन यूज फॉर असेसिनेशन ऑफ इरास न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाई इसराइल सच इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज क्रिएट अ थ्रेट फॉर एंटायर ह्यूमन काइंड बिकॉज इफ दे फॉल इन टू रॉन्ग हैंड्स दे कैन क्रिएट हैव वर्क इस तरह की जब आप एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जामर को आप मैसेज देते हैं कि जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके एथिकल एस्पेक्ट्स को भी मैं समझता हूँ और उससे एग्जामर इंप्रेस होता है और आपको बेहतर मार्क्स देता है देने स्टार्ट किया फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इज़्ज़ अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड दिस टॉपिक इस इंपॉर्टेंट फॉम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर तो काफ़ी छोटा सा न्यूज है ध्यान से याद रखिएगा आप मेन्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या पी टी मैप से पूछा जा सकता है देखिए एक 12 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है 12 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है इन ऑर्डर टू तो डेवलप अ न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और ये जो 12 मेंबर की स्टीयरिंग कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है टू तो डिजाइन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंजन ये के कस्तूरी रंजन साहब वहीं हैं जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी को ड्राफ्ट किया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही उन्होंने रेकमेंड किया था कि हमें नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए तो उस बात को उस रिकमेंडेशन को मानते हुए भारत सरकार ने नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई है जिनको काम दिया गया कि आप बताइए कि नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब जो हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चों के लिए किताबें चलती हैं क्लास वन से लेकर के क्लास टूल्व तक की उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो ये जो नया कमेटी बनाया गया है बारह मेंबर का कमेटी इसको यही काम दिया गया है कि सर नया न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप डिसाइड करें मतलब जो किताबें चल रही हैं स्कूलों में उनमें उनको रिवाइज़ करें उनमें क्या क्या नई चीज़ें डालनी हैं या क्या चीज़ें हटानी हैं वो आप डिसाइड करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है टाइम टू टाइम सरकार लाते रहती है जैसे पिछले बार 2005 में लाया था उसके बाद एन बदली गई थी वैसे ही अब एक नई कमेटी बनाई गई है फिर से समझिए एक नई कमेटी बनाई गई है 12 मेंबर की कमेटी ये कमेटी नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिसाइड करेगी नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब कि किताबों में कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक ये जब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाएगा तो उसके बेसिस पे एन नए टॉपिक्स इंक्लूड करेगी सो दिस इज हाउ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टीयरिंग कमेटी विल वर्क इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट किया फ्राम इकनॉमिक सेगमेंट इट इज़ अबाउट अरोमा मिशन एंड दिस टॉपिक इज इमार्टेंटेंटेंटेंटेंट फ्राम आर सिलेबस पेपर फोर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ यूपेस्ेस्लि फ्रॉम द सब सेगमेंट इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम तो अरोमा मिशन काफ़ी देखिए सरल है इसको 2016 में स्टार्ट किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सी एस आई आर ने जो भारत सरकार की इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक विंग है तो सी एस आई आर ने दो हजार सोलह में अरोमा मिशन स्टार्ट किया था जिसका मेन पर्पज था कि एरोमेटिक फूड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए एरोमेटिक फूड्स मतलब वो फूड जिनके अंदर से बेहतर स्मेल आता है उन फूड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एरोमेटिक फूड्स के मैंने यहाँ दे रखे हैं तो एरोमेटिक फूड्स का इस्तेमाल देखो किस चीज़ में होता है एरोमेटिक फूड्स को लेकर के इस तरह का लिक्विड बनाया जा सकता है जिसको खाने में थोड़ा बहुत मिलाया जाता है इससे खाने का फ्रेगरेंस बढ़ जाता है तो ये काम होता है एरोमेटिक क्रॉप्स uh, का तो 2016 में सी एस आई आर लेकर के आई एरोमा मिशन जिसमें पर्पज़ था कि एरोमेटिक प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए इससे फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर्स के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे जो भी उनका वेस्ट लैंड है वो बेहतर यूटिलाइज हो पाएगा क्योंकि वो एरिया एरोमेटिक फूड से देखो कुछ खास नुकसान होता नहीं तो जिस साल में मान लो खेत खाली पड़ी है वहाँ पे एरोमेटिक फूड उगा एरोमेटिक क्रॉप्स उगा लेंगे एरोमेटिक प्लांट्स उगा लेंगे उसके अलावा होगा क्या एरोमेटिक प्लांट्स उगाने से कि जो वाइल्ड एनिमल्स नॉर्मली क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेज को राइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अब वो एरोमेटिक फूड्स एरोमेटिक प्लांट्स की तरफ अट्रैक्टेड होंगे तो नेचुरली जो मेन क्रॉप्स हैं वो बच जाएंगे सो एरोमेटिक क्रॉप्स को उगाने से एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने से देयर विल बी प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स दैट कुड बी डैमेज बाई वाइल्ड एंड ग्रेजिंग एनिमल्स तो ओवरऑल फ़ायदा क्या होगा एरोमेटिक प्लांट्स उगाने से कि फार्मर्स को के इनकम बढ़ेंगे एंड इट विल हेल्प इन अटेनिंग द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 जो भारत सरकार की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है अब जरा समझते हैं एरोमा मिशन के अंदर पर्पल रिवॉल्यूशन एरोमा मिशन के अंदर पर्पज था एरोमेटिक प्लांट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना तो इसी दौरान एरोमा मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में लगभग 500 फार्मर्स ने डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में ये अरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर उगाना शुरू किया पहले वो मेज उगाते थे बाद में उन्होंने लेवेंडर उगाना शुरू किया और उससे उनकी इनकम चार गुना बढ़ गई एंड दैट वॉज ह्यूज सक्सेस ऑफ एरोमा मिशन एरोमा मिशन ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल इसको आप रट सकते हैं आपको इसको लिखना होगा अगर एरोमा मिशन पर सवाल आ जाए तो कि कैसे एरोमा मिशन के अंतर्गत मेज से डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू के फार्मर्स ने मेज से अपने आप को शिफ्ट किया लेवेंडर में और उससे उनकी इनकम चार गुना बढ़ गई और इसी कारण से ये करेंट डेवलपमेंट है ये आर्टिकल अब मार्च महीने में आया था इस साल के कि जम्मू कश्मीर के फार्मर्स की इनकम चार गुना बढ़ गई अंडर अरोमा मिशन बिकॉज दे ग्रू लेवेंडर और तब से इसको लेवेंडर या पर्पल रिवॉल्यूशन नाम दिया जाने लगा कि एरोमा मिशन के अंदर एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने को नाम दिया जाने लगा पर्पल रिवॉल्यूशन या लेवेंडर रिवॉल्यूशन तो हो सकता है आपसे पीटीएम पूछ ले कि पर्पल या लेवेंडर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग अब हाल फिलहाल में फिर से न्यूज़ में इसलिए आया है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे इंडिया भर में ये पर्पल रिवॉल्यूशन को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए इन इंटीग्रेटेड मैनर जम्मू कश्मीर से जो हमने सीखा है जम्मू से जो हमने सीखा डोडा डिस्ट्रिक्ट से उसको पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट करते हैं फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि एरोमेटिक प्लांट्स को उगाएं जिससे उनकी इनकम बढ़े और भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है डबल फार्मर इनकम बाई ट्वेंटी वो फुलफिल हो पाए इस टॉपिक के बेसिस ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लीज़ अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट इट इज अबाउट नेगोसिएशन विद अल्फा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स असाम इश्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए करंट न्यूज़ ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने बताया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आसाम चीफ मिनिस्टर को अलाउ किया है टू होल्ड टॉक्स विद अल्फा इन असाम इन ऑर्डर टू अराइव एट ए पीस डील तो फॉर्मली हेमंता विश्व शर्मा साहब हैज़ नाउ बिकम अ नेगोशिएटर विथ अल्फा एंड क्योंकि देखिए पीस किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप के साथ पीस डील साइन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है इंटरनल सिक्योरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर भी होम मिनिस्ट्री ये मैटर देखती है लेकिन अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हेमंता विश्व शर्मा साहब को अल्फा के साथ नेगोशिएट करने के लिए फॉर्मली अपॉइंट अप, फॉर्मल अप्रूवल दिया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर जो है इनिशियल फ़ेज में इंटर नहीं करेगी सेंटर विल इंटर इनटू लेटर फेज ऑफ नेगोशिएशन जब एक बार इनिशियल ब्रेक थ्रू मिल जाएगा तो साथ ही साथ आसाम सरकार ने यह भी कहा है कि अल्फ़ा के साथ कुछ नेगोशिएशन कुछ कॉम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट लेकिन वो कॉम्युनिकेशन अभी तक ऑनऑफिशियल थे तो मुद्दा यह है कि अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ महीनों में अल्फा के साथ भारत सरकार की पीस डील साइन हो जाए the next article is again taken from assam segment it is about environmentalist edward pritchard guy दिस टॉपिक इज़ यूजफुल फॉर ए अपकमिंग ए पी एस सी फिल्म्स तो आपको याद होगा कि इस बार भी ए पी एस सी फिल्म में सलीम अली एम एस स्वामीनाथन वगैरह से रिलेटेड सवाल पूछ लिया था मेधा पाटकर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया था तो ये एडवर्ड गी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया तो मैंने सोचा इसको कवर कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आसाम के खासकर आसाम से इनका रिलेशन है तो इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए आने वाले प्रलम्स के लिए देखिए एडवर्ड प्रिचर्डगी वैसे तो ही बिलोंग टू ब्रिटेन लेकिन इंडिया में आकर के वो सेटल हो गए और ख़ासकर आसाम में आकर के टी गार्डन इन्होंने ओपन किया और वहाँ आकर के सेटल हो गए सो ही वॉज़ ए टी प्लांटर इन्वायरमेंटलिस्ट एंड वर्कड इन आसाम पूरे इंडिया भर में वैसे तो उन्होंने ट्रैवल किया अलग अलग फॉरेस्ट में ट्रैवल किया उसके बाद उन्होंने बुक लिखी है द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया विच वॉज फॉरवर्डेड बाई जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ बाद में ही ही बिकेम अ वेरी वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया वैसे तो आसाम के थे लेकिन ही बिकेम वेरी वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया ही रोट मेनी जर्नल्स फॉर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो इंडिया की वन ऑफ़ द अर्लीस्ट ऑर्गनाइजन है इन द फील्ड ऑफ़ इन्वायरमेंट इस्टाब्लिश्ड इन एटीन एटी टू आई बिलीव और इसके बाद ही ऑल्सो बिकेम अ अम्बर ऑफ़ इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू तो ये सब बातें आपको एडवर्ड प्रिचर्ड गी के बारे में याद रखना है यू पी एस सी में नहीं आएगा लेकिन ए पी एस सी में आ सकता है क्योंकि आसाम से इनका रिलेशन है और वेल नोन एन्वायरमेंटलिस्ट हैं आसाम के तो आने वाले टाइम में आपसे पूछा जा सकता है कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी हेल्ड एट ग्लासगो एंड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इट विल नॉट इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया